हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सालूस किचन में। लॉकडाउन में हम बाजार से छोले भटूरे तो खा नहीं सकते हैं, तो आज हम घर पे ही बिल्कुल बाजार जैसे छोले भटूरे बनाएंगे और इसे हम बहुत ही कम सामान में बनाएंगे जो हमारे घर पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए हम इस छोले भटूरे को बनाना शुरू करते हैं और इसे बनाने में हमें 30 मिनट लगे हैं। छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, आधा चम्मच पिसी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, अब इसमें हम 3 चम्मच दही डालेंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मुलायम आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमने गुनगुना पानी लिया है, पानी को डाल के हम इसका मुलायम आटा गूंथ लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। आप घी की जगह इसमें तेल भी डाल सकते हैं। अब घी को हम आटे में अच्छे से मसल मसल के मिक्स करेंगे। कम से कम हमें इसे 5 मिनट तक इस तरीके से मसलना है ताकि आटा हमारा अच्छे से चिकना भी हो जाए। यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर दिया, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए हमने चने को रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं, अब इन्हें हम 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। यहाँ पे हमने चने को साफ पानी से धो लिया है। यहाँ पे भगोने में हमने 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम 2 छोटी चम्मच चाट पत्ती डालेंगे ताकि छोले में हमारे एकदम बाजार जैसा स्वाद आए। चाट पत्ती को हम अच्छे से उबाल लेते हैं 2-3 मिनट तक। यहाँ पे पानी हमारा उबल गया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक कुकर में हम छोले डालेंगे। अब इसमें हम चाट पत्ती वाले पानी को छान देंगे। यहाँ पे छोले में हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि चना हमारा जल्दी से पक जाए। और अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। मीडियम आंच पे 5-6 सीटी आने तक हम चने को पका लेते हैं। जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में हमने यहाँ पे 1 बड़े प्याज को बारीक काट लिया है, 1 टमाटर लिया है, थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्च, 5-6 कली लहसुन, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज का हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इन सारी चीजों का हम पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने मसाले को पीस लिया है।
यहाँ पे कुकर में हमारी 5 सीटी आ चुकी है। अभी से हम साइड में रख देते हैं, जब तक इसका प्रेशर निकलता है तब तक हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे गैस पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 चम्मच तेल डाला है। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। एक पिंच हींग डालेंगे। यहाँ पे जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है। आंच को हमें मीडियम ही रखना है। अगर आप चाहें तो आप तड़के में खड़े मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे लॉकडाउन में बना रहे हैं। लॉकडाउन में सबके पास खड़े मसाले नहीं होते हैं। यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पे मसालों को हमने हल्का सा भून लिया है, अब इसमें हमने जो मसालों को पीसा था हम उसे डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने चने में भी डाला था, तो नमक हमें सावधानी से डालना है। और अब हम मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारा अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता है, इसे हमें तब तक पकाना है। यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ने लगा है। यहाँ पे चने भी हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। हम यहाँ पे एक चने को दिखा देते हैं आपको, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। अब हम चने को मसाले में डाल देते हैं। और इसे हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी सी कम लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। यहाँ पे छोले को हमें धीमी आंच पे 3-4 मिनट तक पका लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा छोला बना हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा और गरम मसाला डालेंगे क्योंकि हमने 1/2 चम्मच ही डाला था, थोड़ा सा हम और डाल देते हैं। मसाले को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने छोले को 3-4 मिनट तक पका लिया है, ये अच्छे से पक चुके हैं, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया को हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं।
घी को हमें छोले में मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारा छोला बनके तैयार है। अब हम छोले को साइड में रख देते हैं और भटूरे को बना देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा छोला बना हुआ है। यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। इसे हम अच्छे से गोल कर देंगे, इसमें एक भी क्रैक नहीं रहने चाहिए। इसी तरीके से हम सारी लोइयों को अच्छे से गोल कर लेते हैं। सारी लोइयों को अच्छे से गोल कर लिया है, देख सकते हैं इसमें एक भी क्रैक नहीं है। अब इसे हम बेल लेते हैं। हमें इसमें सूखा आटा लगा के नहीं बेलना है, आप इसमें थोड़ा सा तेल या घी लगाकर बेल लें। तरीके से हम इसे बेल लेते हैं। हमें इसे मोटा नहीं रखना है, हम इसे एकदम पतला बेलेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे भटूरे को बेल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे भटूरे को भी बेल लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम भटूरे को डालेंगे। इस तरीके से तेल यहाँ पे अच्छा गर्म होना चाहिए और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भटूरा कितने अच्छे से फूल रहा है। अब इसे हम पलट देंगे। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से भटूरा फूला हुआ है। अब हम भटूरे को निकाल लेते हैं, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो यहाँ पे हमारे बाजार जैसे छोले भटूरे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। फूले फूले भटूरे, ये देखिए बहुत अच्छे फूले हुए हैं। तो इसी तरीके से आप भी इस लॉकडाउन में इस छोले भटूरे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।